दोस्तों, अभी आपको हर जगह सुनने को मिल रहा है कोरोना वायरस, कोरोना वायरस जो कि बहुत खतरनाक है और उसका अभी तक कोई इलाज नहीं निकला है। तो सिंपली आज मैं आपको बताऊंगा कि चीन यूं ही नहीं कोरोना वायरस की चपेट में आ गया है। तो मेरे पास कुछ वीडियो हैं, आपको सबसे पहले वो दिखाता हूँ, उसके बाद में मैं इसके ऊपर बात करूँगा और आपको इसके बचने के तरीके बताऊँगा।你吃肉吧，吃那个东西，它就是皮，咬不烂呀。应该是后背上的肉。哎呀，给他拍了，你快给他拍吃吃。哎呀，我觉得吃饭点补养眼，等会儿。这个是能吃的吗？我想问，那是光喝汤啊？怎么吃啊？光喝汤，光喝汤。是不是？稍微小一点。这都是啥？哎呀妈，还有泡呢。दोस्तों, आप लोगों ने वीडियो देखी और आपने देखा कि वो कैसे जानवरों को खा रहे हैं, सिंपली मतलब जिंदा ही खा रहे हैं। एक तो होता है बना भून भान के खाना, लेकिन ये तो सिंपली जिंदा पकड़ के ही खा रहे हैं यार। जैसे भी खा रहे हैं वो तो यार उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो सिंपली अभी तक ये मानना है कि चमगादड़ में से या सांप में से, इन दो में से कोरोना वायरस फैला है। तो सिंपली आपने वीडियो में देखा ही। बात कर लेते हैं इसके इलाज की। तो दोस्तों, डॉक्टर लोग अभी लगे हुए हैं इसके इलाज के लिए। तो उन्होंने एंटीडोट बना लिया है, मतलब कोरोना वायरस को बना लिया है, लेकिन अभी उसका एंटीडोट नहीं बनाया है कि मतलब उसको ठीक कैसे किया जाए। तो दुआ तो यही है कि वो भी मतलब निकल जाए जल्दी से जल्दी, और ये जो है मतलब कोरोना वायरस, इसके ऊपर जल्दी से जल्दी इलाज चल जाए। तो सिंपली चाइना में इसके लिए एक अलग से हॉस्पिटल भी बना रहे हैं, और दोस्तों 170 लगभग 170 ही लोगों की वहाँ पर डेथ हो चुकी है चाइना के अंदर, और अभी बहुत सारे लोग इसकी चपेट में भी हैं। तो सिंपली दोस्तों, अभी मैं आपको बताता हूँ कि इससे कैसे बचें और कौन कौन सी चीज़ों का प्रयोग ना करें। दोस्तों, आपको जब तक ये कोरोना वायरस चल रहा है तब तक आपको नॉनवेज को अवॉइड करना है। मीट मच्छी, अंडा मछली, इन सब चीज़ों को आपको नहीं खाना है, क्योंकि ये बीमारी जो है ये जानवरों से ही फैली है। सबसे पहली बात तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, और दूसरी बात आपको ये है कि बाहर का जो सफ़र है, जैसे मेट्रो में हो गया, कार में हो गया, बस में हो गया, ये सारे सफ़रों को आपको कम करना है, क्योंकि ये बीमारी जो है छूने से भी लग रही है। तो सिंपली आपको बाहर का जो जितना भी चीज़ है, बाहर कम रहना है, अपने घर में ज़्यादा रहना है। ऐसा नहीं है कि बाहर नहीं रहना, बाहर रहो, लेकिन बहुत सारी सावधानी आपको बरतनी होगी। जैसे कि अगर आप बाहर जा रहे हो तो आपको सबसे पहले मास्क लगा लेना है। दूसरा, अगर कोई बंदा छींक रहा है तो आपको थोड़ा दूर हो जाना है। दिल्ली जैसे शहर में तो आपने देखा होगा कितना भीड़ भाड़ वाला एरिया है, तो सिंपली आपको उस चीज़ों को, कई चीज़ों को अवॉइड करना है। और अगर आप बाहर से घर में आ रहे हैं तो आपको दो तीन बार हाथ धोने चाहिए। एक सैनिटाइज़र रख लीजिए आप अपने साथ, जिससे कि आप अगर कहीं सफ़र में भी जा रहे हैं या किसी भी काम से जा रहे हैं या इमरजेंसी में आपको कहीं भी कुछ भी काम पड़ जाता है, इसी तरह हाथ भी मिलाते हैं, तो सिंपली आप सैनिटाइज़र से उसको साफ़ कर लें। तो ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, और जिससे कि आप बच सकें। तो सिंपली दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। दोस्तों, मेरा चैनल इसके ऊपर नहीं है, मेरा चैनल टैक के ऊपर है, लेकिन दोस्तों आप लोग की हेल्थ से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है। हमारी जितनी भी यूट्यूब फैमिली है सारी, आप सब लोग की हेल्थ मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखती है, क्योंकि दोस्तों आप खुश रहोगे तो हम खुश रहेंगे। दिल्ली, हैदराबाद, उत्तर प्रदेश, इन सब जगह इसका इन्फेक्शन पाया गया है, मतलब इंडिया में भी आ चुका है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको इतना शेयर करना है जिससे कि आपके जितने भी रिलेटिव्स हैं, जानने वाले हैं, और जो नहीं भी जानने वाले हैं, उन सबको ये चीज़ का पता लग जाए कि इस चीज़ से कैसे बचें और ये वो इस चीज़ से अलर्ट रहें। तो दोस्तों, सिंपली एक वीडियो का आपका शेयर आपकी किसी दूसरे बंदे की जान बचा सकता है, जान ही नहीं दोस्तों, उसको खुशी भी दे सकता है। सिंपली दोस्तों, आपको वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी है। मैंने ये नहीं कह रहा लाइक करो, मैं ये नहीं कह रहा कमेंट करो, लेकिन सिंपली आपको इतना शेयर करना है इसको, जितना कि दोस्तों हर एक बंदे के पास ये इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए कि दोस्तों कोरोना वायरस क्या है और इससे बचें कैसे। थैंक यू दोस्तों।